किधर हो तुम? तुमने फाइनल करना था कब आ रहे हो तुम रिश्ता लेके? मैंने अपने बहन भाइयों से बात करनी है भाई। जलील करवा रहे हो तुम मुझे। मुझे नहीं पता कल तुम आओ रिश्ता लेके मेरे पास। इंतजार कर रही हूँ मैं। नबील, जिस तरह से ये तुम्हारे पीछे पीछे दिन रात एक ही हुए ना, उससे कहीं ज्यादा बढ़ के मैंने तुम्हारी खिदमत की है और तुमसे अपनी मोहब्बत जताई है। जिंदगी में मुश्किल से मुश्किल वक्त देखा है हमने, लेकिन मैंने नाफरमान बीवियों की तरह तुम्हारा कभी साथ नहीं छोड़ा। तो तू क्यों फिक्र कर रही है? मैं अभी तेरे ही साथ हूँ, तेरी वफाएं नहीं भूला। नबील, एक समझने की कोशिश कर, अभी तो वो मौका है जिसकी मैं सालों से प्लानिंग कर रहा था, और तुझे तो मेरी हिम्मत बढ़ानी चाहिए, उल्टा अंदेशों में पड़ गई। हमारा एक बेटा भी है। हाँ, तो ये सब कुछ मैं तुम दोनों की मुस्तकबिल के लिए तो कर रहा हूँ। सच? अरे तेरी कसम। अब जा, कुछ खाने को तो ले आ। नबील, ये क्या बदतमीजी है? इतने दिनों से तुम्हें कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही हूँ, तो मेरा फोन नहीं रिसीव करते, मेरे किसी मैसेज का जवाब नहीं देते, क्या हो रहा है? अरे आयमा, क्या हो गया है तुम्हें? खुदा की कसम, जब से तुमने रिश्ते का जिक्र किया है ना, नंगे पैर घूम रहा हूँ मैं। रोज सोचता हूँ कि आज रिश्ता लेकर जाऊं, आज रिश्ता लेकर जाऊं, लेकिन जाऊं तो किस मुंह से? क्यों, अब क्या मुसीबत हो गई है? देखो, मेरे पल्ले कुछ हो तो खाली हाथ तो नहीं आ सकता। हाँ, ये अलग बात है कि मेरा दिल तुम्हारी मोहब्बत से लबालब भरा है। कुछ और भी दुनियावी चीजें हैं जो लड़की वाले लड़कों में देखते हैं, और खुदा झूठ ना बुलाए, मेरी माली हालत तो तुम जानती हो। कितने पैसे चाहिए तुम्हें? कितने पैसे मतलब, यही कुछ 8-10 लाख तो लगेंगे। 8-10 लाख? इतने पैसे तो मैं अरेंज कर ही नहीं सकती नबील। मैं जानता था तुम बिल्कुल ऐसा ही कहोगे। खैर कोई बात नहीं, आखिर हमारे मुस्तकबिल की बात है, इसलिए तो कह रहा हूँ जैसा चल रहा है वैसे चलने दो। तुम जो चाह रही हो नामुमकिन है। नहीं नहीं नबील, मुझे तुमसे शादी करनी है किसी भी हाल में। देख लो आयमा। मैं कुछ करती हूँ, सोचती हूँ कुछ।